अगर आपके पास आलू और चीज हैं तो आप बना सकते हैं इतना टेस्टी स्नैक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पोटैटो चीज रोल कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद आपने इनको बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए आप कुकर का यूज कर सकते हैं या फिर खुले बर्तन में भी इनको बॉयल कर सकते हैं। तो आलू को धो के देखिए मैंने कुकर में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जब भी आप आलू बॉयल करें कुकर में, पानी आपने थोड़ा ही डालना है। लगभग 1 से 1.5 कप आप इसमें पानी ऐड कीजिए। ज्यादा पानी डालेंगे आलू ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से कुकर को कवर कर दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम पहले हाई रखनी है जब तक बिसल नहीं आती है। जैसे बिसल आ जाएगी उसके बाद आपने आलू को 12 से 15 मिनट तक पकने देना है। तो यहाँ पे मैंने आलू को 12 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब इसके बाद हम इनको चेक करेंगे। चेक कैसे करना है, आपने चाकू लेना है, चाकू को ना आलू के आर पार डाल के देखना है। तो इस तरह से आसानी से चाकू आर पार हो जाए तो समझ लीजिए आलू अच्छे से उबल चुके हैं। इसके बाद हम इनको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। जैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इसके बाद इनको पील कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आधे ही आलू से ये पोटैटो रोल बना के दिखाऊंगा आपको। जो बाकी बचे आलू हैं, आजकल सर्दी है, 2 दिन तक ये खराब नहीं होते, आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने आलू को ना गर्म गर्म ही इसके बाद मैश कर लेना है या फिर आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आप इनको मैशर से मैश करें तो आपने इनको अच्छी तरह से मैश करना है, इनके ना लम्स नहीं बचने चाहिए मोटे मोटे। या फिर आप इनको गिलास से भी मैश कर सकते हैं। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच इसमें ऑरेगानो ऐड करेंगे। तीखा करने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। इसके साथ में आप थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दीजिए इसमें। तो ओके, देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया या फिर बारीक कटी हुई पार्सली ऐड कर सकते हैं आप इसमें। और इसके साथ में आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर से ना अच्छी बाइंडिंग आएगी। जब आप इनके रोल बनाएंगे ना तो इनको अच्छी तरह से रोल कर पाएंगे। तो 2 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अगर आलू थोड़े से ज़्यादा गीले हो आप थोड़ा सा इसमें मैदे का यूज भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर को भी मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चीज़ की स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रहा हूँ और जो चीज़ है वो प्रोसेस चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप मोज़रेला चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। और चीज़ स्लाइस का यूज़ मैंने यहाँ पे तो किया है क्योंकि आजकल मार्केट में ईजिली चीज़ स्लाइस मिल जाते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो पिज़्ज़ा वाली, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं इनकी स्टफिंग के लिए। तो चीज़ स्लाइस को यहाँ पे मैंने पैकेट में से निकाल लिया है। इसके बाद हम चीज़ स्लाइस को रोल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको रोल कर लीजिए। अगर चीज़ स्लाइस टूटती है भी इससे कोई चक्कर नहीं, हमने इसको फ्राई करके मेल्ट करना है पोटैटो रोल के अंदर। तो पहले आपने सारे चीज स्लाइस को रोल कर लेना है। इसके बाद आपने हाथ को थोड़ा सा गीला करना है और जो मिक्सर हमने बना के रखा था ना उसको आपने एक बड़ा सा बॉल बना लेना है। पहले जैसे इसका बॉल बन जाएगा इसको आप चपटा कर दीजिए। ये देखिए हाथों के ऊपर रख के, और हाथ आपके ना गीले होने चाहिए। और इसके बाद आपने चीज स्लाइस लेना है जो हमने रोल करके रखा है, और आलू के अंदर आपने इसको ना इस तरह से देखिए बंद कर देना है। अच्छी तरह से उसको बंद कर दीजिए। और एक बात, यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े बड़े रोल बना रहा हूँ। अगर आप साइज में छोटे रोल बनाना चाहते हैं चीज स्लाइस को 1/2 कर सकते हैं, 20 से काट सकते हैं और छोटे साइज में रोल बना सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चीज की स्टफिंग कर दी है पोटैटो के अंदर। अब आपने इसको ना इस तरह से अच्छी शेप दे देनी है। और इस तरह से आपने सारे के सारे पोटैटो रोल पहले बना के तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आपने एक स्लरी बनानी है। तो एक बाउल लीजिए, उसमें 3 छोटे चम्मच मैदा ऐड कर दीजिए और 3 छोटे चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह बेसन का यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और कॉर्नफ्लावर और मैदे को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है पहले। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले थोड़ा ही पानी डालिए क्योंकि इसके ना लम्स बन जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका पहले थिक बैटर बना लीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने कॉर्नफ्लावर मैदे को मिक्स कर लिया पानी के साथ में। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इसकी ना आपने पतली सी स्लरी बनानी है, ज़्यादा थिक नहीं बनानी है। ज़्यादा थिक स्लरी बनाएंगे तो जब हमारे रोल बनते हैं ना उसके बाहर से ज़्यादा ही कोटिंग आ जाती है। तो इस तरह से स्लरी बना लीजिए और इसके बाद आपने इसमें रोल ऐड करना है। और रोल को डुबोने के बाद आप इसको निकाल दीजिए। अच्छी तरह से आपने जो बैटर है उसको निकलने देना है। फिर आपने ना ब्रेड क्रम लेना है। ब्रेड क्रम मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाया था कटलेट वाली में, घर पे के ब्रेड क्रम कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड ब्रेड क्रम हो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और के देखिए ब्रेड क्रम की कोटिंग आपने रोल के बाहर से इस तरह से
कर लेनी है तो सारे रोल में कोटिंग कर लीजिए। फिर आपने ऑयल को ना गर्म कर लेना है, यहाँ पे मीडियम टेम्परेचर में आप इनको फ्राई कीजिए। ऑयल आपका ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म गर्म तेल में डालेंगे बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा और जो चीज है अंदर तक अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो मीडियम फ्लेम में आप इनको कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। इतनी देर में अंदर तक आपके जो रोल है अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे और जो चीज हमने इसमें स्टफिंग की है वो अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 मिनट तक रोल को फ्राई कर लिया है, देखिए अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है। और इसके बाद इनको निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इनको सॉस के साथ सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।